नमस्कार, स्पोर्ट्स लाइव एपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का अब आखिरी मुकाबला गुरुवार से धर्मशाला में खेला जाएगा, जहां इसके लिए भारत और इंग्लैंड की टीमें अब पूरी तरह से तैयार है। इस बीच मुकाबले से ठीक एक दिन पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मीडिया से बातचीत की और अपनी बातें रखी है। इस दौरान उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन बेकेट के भी एक बयान का मुंह तोड़ जवाब दे दिया, जिसका जिक्र उन्होंने काफी पहले ही कर दिया था। उन्होंने अपनी बातचीत में ऋषभ पंत का भी नाम लिया है, जो इस वक्त चोटिल होने के कारण भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। जाए सीरीज में भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। वे लगातार दो दोहरे शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार हो गए हैं, जहां पिछले दिनों यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी को देख करके इंग्लैंड के ही बल्लेबाज बेन बेकेट ने ये कह दिया था कि जिस तरीके से टेस्ट में जायसवाल ने बल्लेबाजी की है, उसके लिए इंग्लैंड को श्रेय जरूर जाना चाहिए। हालांकि इसके बाद इंग्लैंड के ही पूर्व कप्तान आसिफ हुसैन ने उनकी क्लास तक लगा दी। अब रोहित शर्मा ने भी एक सवाल के जवाब में बेन बेकेट की बात का जवाब दे दिया। रोहित शर्मा ने कहा कि भारतीय टीम में ऋषभ पंत नाम का एक खिलाड़ी था, शायद बेन बेकेट ने उसे खेलते हुए देखा ही नहीं है। उनका इशारा ऋषभ पंत की आक्रामक बल्लेबाजी को लेकर था, जहां बीसीसीआई इस वक्त सभी भारतीय खिलाड़ियों के डोमेस्टिक क्रिकेट में ना खेलने का लेकर काफी ज्यादा सख्ती बरते हुए है। माना यह जा रहा है कि घरेलू क्रिकेट ना खेलने के कारण ही हाल ही में बीसीसीआई ने ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से छुट्टी कर दी। जहां इस बीच मीडिया से बात करते हुए रोहित शर्मा ने मैच से एक दिन पहले बुधवार को यह भी कहा कि सभी खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलना ही होगा, जब तक कि उनकी मेडिकल टीम प्रमाण पत्र ना दे। उनका कहना है कि ये सभी के लिए है। रोहित शर्मा ने कहा है कि उन्होंने मुंबई बनाम तमिलनाडु का रणजी ट्रॉफी मैच भी देखा है। घरेलू क्रिकेट को महत्व देना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहां इस बीच अब तक खेले गए सीरीज के चार मैचों में भारत के चार खिलाड़ी टेस्ट डेब्यू कर चुके हैं। इसमें सरफराज खान, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल और आकाश दीप का नाम शामिल है। रजत को छोड़कर बाकी सभी खिलाड़ी अपने पहले ही मैच में छाप छोड़ने में कामयाब भी रहे हैं। जहां रजत पाटीदार अभी तक 3 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, लेकिन उनके बल्ले से अभी तक एक भी अर्धशतक नहीं आया है। इस बीच संभावना ये जताई जा रही है कि अगले मैच में उनका पत्ता साफ हो सकता है। अब रोहित शर्मा ने रजत पाटीदार को लेकर भी कह दिया है। उन्होंने कहा है कि रजत पाटीदार में बहुत अच्छी क्षमताएं हैं, ये रजत को एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में देखते हैं। साथ ही रोहित ने जोड़ा कि हम रजत को कुछ मौके और समय देने की जरूरत समझते हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कॉमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।